और बाकी का सच ना हम आपको बताएंगे। हम सभी ने यहाँ पे देखा है कि सृष्टि देवर जी को मारने के लिए एक छुरी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम सब ने ये नहीं देखा कि कोई है यहाँ पर जो सृष्टि को छुरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सच है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सृष्टि का हाथ है, लेकिन इसमें दिमाग ना वो किसी और का है। उसे सम्मोहित किया गया है सासू मैया। मोहित मतलब हिप्नोटाइज। जी मिस्टर जी, और अगर हमारे बताने में कोनो कमी रह गई होगी ना तो उसे रज्जो पूरा करेगी। क्यों रज्जो? बताओ सबको। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। इसको देख के तो अंदाजा हो ही गया होगा कि हम कौन सा कहानी का बात कर रहे हैं, या फिर अभी भी समझे में नहीं आ रहा तुम्हारे? अही कब फेंक रहे हैं ये, कब के चलते एक बार झगड़ो की थी हमसे। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमरे कप को हाथ लगाने का? हाँ का पायले बुझा रही हो है? हम सब ने ना इस पिस्ती को बार बार बिस्तर पर बार करते हुए देखा है। ये अपना माया जाला किसी और को दिखाना। सासू मैया, हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं, हम उही बता रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें बताया है। हम अभी डॉक्टर के वहां से ही आ रहे हैं। सासू मैया, जब सिस्टर ने हम पे हमला किया था ना, तो हमने हमले से पहले और हमले के बाद ना एक आवाज सुनी थी, और वही आवाज सुन के सृष्टि पहले पागल हुई, और जब उसने दोबारा वो आवाज सुनी तो वो बेहोश हो गई। तब से ही ना हमारा जो है वो शक पैदा हो गया था, और तभी हमारी नजर ना इस रच्चों पर पड़ी जिसके हाथ में एक कप और चम्मच था। उसने एक कप और चम्मच की आवाज से ना सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ था। इधर जो हर समय सृष्टि के दिमाग के साथ खेलती रही, अब तक जो भी सृष्टि करती आई है वो सब सृष्टि से रज्जो ने उसे सम्मोहित करके कराया। वो देवर जी पर सृष्टि द्वारा हमला कराती गई, यहां तक कि अपनी ही शादी का कार्ड भी खून में रंगवा दिया ताकि रज्जो पर किसी को शक ना हो। यहाँ तक कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसने अपने आप पर भी सृष्टि से हमला कराया ताकि कोई सोच ही ना सके कि इस सब के पीछे रज्जो ही है। नया साल के पार्टी में भी रज्जो ने अपने तप से सृष्टि को सम्मोहित कराया, ताकि वो देवर जी का अंत कर सके। लेकिन मिस्टर जी टाइम पर आ गए, और जब तभी वो सफल ना हो पाए तो उसने फिर अगली सुबह अपनी घटिया चाल चली, जिससे सृष्टि ने वो बढ़नी से देवर जी को मारने का कोशिश किया। तुम सृष्टि के खिलाफ नहीं थी, हम सच के साथ थे सासू मैया, लेकिन हमारे पास ना कोनो सबूत नहीं था, इसीलिए हमने सृष्टि को जो है वो जंजीरों से बांध दिया था ताकि उसके कातिल को ये लगे कि उसकी सारी चालें जो है वो सही होती जा रही है। सृष्टि, अब हमारा बात एकदम ध्यान से सुनना। हम वो लिफाफे में चाबी के साथ ना एक सेफ्टी पिन रखे हैं, जैसे तुम्हें वो आवाज सुनाई देगा ना तो सेफ्टी पिन अपने आप को जोर से चुभ लेना, कुछ दर्द होगा ना तो वो तुम्हें सम्मोहित होने से रोकेगा, और उसकी एक लापरवाही हमारे हाथ में आ जाए और आज रज्जो तुम्हारी सारी सच्चाई ना सबके सामने आ गई है। ये का बखेती बक रही हो तुम? हाँ पगला गई हो या फिर वो फिल्म चढ़ा कर आई हो?
तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी गपशप हांकती रहोगे, हम चुपचाप मान लेंगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि हमने ये जो कप है इससे हमने जादू मंत्र कर लिया और ये सब कांड हो गया है? और आप सब क्या पागल हो गए कि इसकी बातें सुन रहे हैं? कसम अंजलिना जूली की, हमें तो लगता है ना कि जो बंदूक वाली मैडम है ना, ये एलएलबी मैडम जी के साथ मिली हुई है, उसके षड्यंत्र में शामिल है। रागिनी, सबसे पहले विष्णु जी को ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ है। विष्णु, तुम सही कह रही हो, तुमसे तो ना हम बाद में निपटेंगे, चलो बाहर ढूंढते हैं। ए दुलरिया, देखो विष्णु का, विष्णु देवजी के अंदर है, देवजी के अंदर है, देवजी यहाँ है, देवजी अब, देवजी अब, अब देव अब घबराइए मत, हम आ गए हैं। देवजी तू कैसे तोड़े इसको? विष्णु जी अंदर है, आप कैसे तोड़े? देवजी, देवजी अब घबराइएगा मत, हमारे बाहर जी। देवजी बंदा खोलिए, देवजी आप खोलिए अपना, देवजी देखिए हम बाहर हैं। विष्णु देवजी के अंदर है। देवजी आप ध्यान से, आराम से, देवजी। अरे ओ विद्वान सिंह, तुम्हारे बेटे को हम वैसी मौत देना चाहते थे ना कि अपने पैदा होने पे अफसोस मनाने लगे, तभी तो इसे हम दीवार पे चुनवा दिए थे, लेकिन पता नहीं कहां से इन दोनों को ये मिल गया। कैसे की तुम्हें सफा, तुम तो हमारे साथ मंडप में बैठी थी ना। अरे ओ ब्रिजवान सिंह, तुम्हारे साथ मंडप में ना कोई और बैठा था, हम तो इस विश्वेश सिंह को ठिकाने लगाने गए थे। और मौका मिलते ही हम वापस वहां पर बैठ गए मंडप पे। बाबा जी का भविष्यवाणी का फायदा उठा हमारे विश्व को मारना चाहती थी। अरे नहीं सासु मैया, इसने बाबा जी की भविष्यवाणी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि बाबा जी की भविष्यवाणी ना सच साबित हुई। याद है आपको बाबा जी ने क्या कहा था? कि देवर जी की पत्नी उनका काल बनकर आएगी। और ये छोटे ससुर जी की रज्जो रानी नहीं, बल्कि देवर जी की पहली पत्नी राजेश्वरी है।
जी हम कैसे लग रहे हैं ये ड्रेस में? अच्छी लग रही है आप, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है। रागिनी जी आप ना किसी के लिए भी बदलना मत, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। ओके मैं यहाँ कोई गाड़ी खरीदने नहीं आया हूँ जो सारी चीजें मेरी पसंद की हो, मैं तो आपका साथी बनने आया हूँ। आप जैसी हैं ठीक वैसे ही आपको अपनाना चाहता हूँ, पर मुझे तो रागिनी चाहिए। की आंखों में जो दर्द पड़ सकते हैं आज वही दर्द अनुराग बाबू की आंखों में देख रहे हैं। लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे अनुराग बाबू आप जा रहे हैं? बड़ा हल्का दिल लगाया आपने हमारी बहन के साथ। पहली बरसात में ही आपका प्यार रंग छोड़ने लगा। बात ये नहीं है पराग, दरअसल वो रागिनी ने वो ही वेस्टर्न ड्रेस पहन के अभिमन्यु का टेस्ट लिया है। उस टेस्ट में वो पास हो गया है जिसमें मैं फेल हो गया था। उसने शादी के लिए हाँ कही। अब जब उसको शादी के लिए हाँ हो गई है तो मुझे तो इस घर से जाना ही है ना। वाह अनुराग बाबू वाह, रागिनी ने हाँ कर दिया है तो उसकी हाँ को ना में बदलने के बाद आप अपना ये छोला झंकाड़ा उठा के यहां से निकल रहे हैं? तुम नहीं समझोगे पराग, इश्क में कुछ जबरदस्ती नहीं होता है, मरहला बीच का नहीं होता है। या तो इश्क होता है या नहीं होता है। देखिए अनुराग बाबू ये जो उर्दू और फारसी है ना ये हमको नहीं समझ में आता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पिक्चर के अंत में हीरोइन जिसके पास होती है ना वही हीरो होता है। तो फिर आप काहे जबरदस्ती साइड हीरो बनने पे तुले हुए? अरे भैया दिल वाले हैं आप, और दुल्हनिया भी आप ही लेके जाएंगे। हम है ना सपोर्टिंग एक्टर, फुल सपोर्ट करेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। मुस्कुराते रहा करिए आप, अच्छा लगता है आपके ऊपर। आज पहली बार तुमने काम की बात की है। मैं बेवजह ही हिम्मत हारा था, लेकिन अब मैं ऐसे खाली हाथ यहां से नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी दुल्हनिया को साथ लेकर ही जाऊंगा। वाह ये गजब फैसला आपने लिया है, दिल खुश हो गया हमारा। चोट बहुत गहरी है लेकिन मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है बड़का फूफा की, क्या हो रहा है सब? हमारा मन बहुत तेज घबरा रहा है, आप कुछ पता लगाने का कोशिश करिए ना। घबराने से कोई फायदा नहीं है दीदी, कल तक जो सब लोग बैजू पे रहम कर रहे थे ना तो आज उसका नतीजा देख लीजिए। पापा आपने बैजू का नाम दिया ना पुलिस में? हम फोन करके बता दिए पुलिस को, चलते है ना थाने, वो लोग जांच पड़ताल किए होंगे, कोनो ना कोनो खबर तो मिला होगा ना उनको। बात तो सही है, ठीक है एक काम करो, देखो हम दोनों का एक साथ वहां जाना ठीक नहीं रहेगा, किसी एक को यहाँ रहना चाहिए। ध्यान रखना इनका। जी बेटा। अजय भैया। हाँ तो भैया हमको लगता है कि वो क्या नाम है गिर दरवाने तो कंप्लेन वापस ले रहे थे ना हमारा। हाँ हमको लगता है ना कि वो कानून वाली मैडम है ना उसके एफआईआर पर हम फलाई ससुराल आ गए फिर से।
सारा सारा मेहनत ही बेकार हो गया हमारा। आप खुद को सांप से कटवा दिए और हमको बुड्ढे के पास समाज सेवा करवाने के लिए भेज दिए। लेकिन क्या हुआ? बिना मार खाए तुम दो मिनट चुप नहीं रह सकते हैं? बिना समझे खाली बक 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 किए जाते रहते हो हैं? नागिन डांस चालू कर देते हो अपना तुम, अपने जुबान से समझो पहले बात। मतलब हम तो सोच ही नहीं पा रहे कि कौन कर सकता है ऐसा। अरे हम लोग तो पितृ पूजन के लिए गए थे, वहां से जब लौट के देखा तो सृष्टि बहू घर से गायब है, उसकी किताबें फैली पड़ी हैं, हमारी धर्मपत्नी बेहोश पड़ी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। कैसे बताएं कि इसके पीछे किसका हाथ है या कौन कर सकता है? अरे अफरा तफरी में हमने डॉक्टर को बुलाया। हे मामा इधर आओ, बताओ तो जरा ये विद्वान जी कहां आए यहां पे? अरे इनकी बहू है ना सृष्टि मैडम, उनका किडनैप हो गया है, वो रिपोर्ट लिखवाने आया है यहां, और उनकी पत्नी के ऊपर भी कोई हमला किया है। पता नहीं इनके परिवार के ऊपर कौन ऐसा अटैक कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप साइन कर दो रजिस्टर में। अरे सुनो तो, अरे कहां भाग रहे हो? अरे सॉलिड एक काम करो, जितना फिरौती वाला सबको फोन लगाओ। ठीक है, पटना से लेके पूरा नेपाल तक, समझे ना? ठीक है, जितना असलम मुन्ना राजू है सबको फोन लगाओ। ठीक है, हम सिस्टम मैडम को जो उठाया ना उसका हम जिंदगी से उठा देंगे। ठीक है, फिर बोल दे रहे अभी हम करते हैं, अभी फोन लगाओ। क्या हो रहा है वो बताओ जल्दी, समझे ना? जो भी खबर मिले बताओ हमको। हाँ कहा रिपोर्ट है? अरे राजू तो जेल के अंदर है भैया, उसका काम नहीं है। तो काली काली पहन वाला उनको लगाओ। एक मिनट, एक मिनट चलो भैया। हाँ काली तुम उठाओ काशिश्री मैडम को। अनु ने कहा नहीं ढूंढा आपको, साथ में चलिए ना, प्लीज फॉरगिव मी प्लीज अनु। अरे कहाँ चलो? साथ में शिमला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शिमला? अरे यो डाली, क्या बकवास करी जा रही हो? हाँ वो तो कभी शिमला गए ही नहीं है। सुन लिया आपने, मैं आज तक कभी शिमला गया ही नहीं। अब हो गया ना यकीन आपको? ए लड़की तुम अपने काम से काम रखो, समझी? जानू सबको बताइए ना क्या सच है, चलिए। हाँ। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। अरे चलिए, आपकी फेवरेट गोभी के पराठे बनाती हूँ, चलिए ना। गोभी का पराठा? छी। हाँ। गोभी का पराठा? गोभी? चलिए। गोभी कौन खाता है? सामान को उठा के बाहर फेंकवाइए, कहीं बेटा जी गुस्से में कुछ वैसा कुछ ना कह दे जो। अरे यो डाली की बच्ची, ना डोली लेके ना यहाँ से निकलो, नहीं तो अर्थी पे भेजेंगे तुम्हें, समझ रही हो? और काई अनु अनु लगा रखी हो? हाँ अरे वो तो कभी गोभी का पराठा सूंघे तक नहीं है। गोभी का पराठा? तुम अपना चोंच बंद रखोगी, अपने काम से काम रखो ना, दिखाई नहीं दे रहा हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे हैं। ससुरी हमारे ही घर पे हमसे ही जुबान लड़ा रही हो? यहाँ से ना 9-11 हो जाओ और हमारा खोपड़ी सनक गया ना तो बताए दे रहे हैं। तो क्या, तो क्या करोगी? तुम्हारे मुंह पे जो है ना हस्तरे का छाप देंगे यहाँ पे सबके सामने। निकलो यहाँ से फटाक से, चप्पल पहनने का मौका नहीं देंगे, दुड़ा दुड़ा के मारेंगे तुमको, निकल। अरे भाई रुको तुम। अनु जी देखिए ना, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे ये, चलिए ना हम चलते हैं। आज आप सबको सच बताई दीजिए। सच? कौन सा सच पंडित जी? बताइए ना सबको। अरे कौन सा? हम दोनों के रिश्ते का सच। और कौन सा सच? अरे हटो यहाँ से। रिश्ता? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? पराग जी इन्हें बताइए कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है? अरे लड़की सुनो, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। भाई साले चीजे साले का रिश्ता है ना हमारा। अरे रे रे, मालिक का मैनेजर का। ए, सुनो तुम्हारे और इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, समझी? चलो निकलो यहाँ से। जी आप क्या कर रहे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बेटी भी तो है। बेटी? बेटी कहाँ से बोला दिया? अरे हम तो क्या बोले थे, हम तो बजट में इतना खास लेके आ गए तुम। आप क्यों संकोच कर रहे हैं, सबको बता दीजिए ना कि हमने शादी करी है। अरे हाँ ये सच है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हुई है। मेरी जो शादी है वो इतना बुरा की सासू मियां सिस्टर के साथ, लेकिन फिर भी मिस्टर जी उनका साथ दिए। हम बुला देते हैं।
तुम तब से यहीं बैठी हो तो हम तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहाँ जाते? क्यों करते हो हमारे लिए इतना सब कुछ? कहा है कि अगर हमारी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती ना जो हम कर रहे हैं। अच्छा हम ना खिचड़ी बनाए थे तुम्हारे लिए, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें उठाए नहीं, अभी लेकर आते हैं और फिर तुम्हें खिलाते हैं। रागिनी क्या प्रॉब्लम है, तुम शाम से मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ना मेरा फोन उठा रही हो, ना ठीक से बात कर रही हो, क्या प्रॉब्लम? हमें फिलहाल ना आपसे कुछ और बात नहीं करनी है, हमें जाने दीजिए। रागिनी मेरी बात सुन। क्या सुने मिस्टर जी, कहने सुनने के लिए कुछ छोड़े हैं आप? आपको तो यही लगता है ना कि सृष्टि का इलाज सिर्फ वो बिजली के झटके से ही ठीक हो सकता है? टाइम पे नहीं आया ना, थोड़ा पहले आते तो देखते कैसा तड़प रही थी, उसका वो हालत देख लेते ना तो कलेजा मुंह में आ जाता आपके। रागिनी मैं सब समझ रहा हूँ, सृष्टि के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसे मैं सही नहीं ठहरा रहा, बल्कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमागी बीमारी में इस तरह का इलाज कभी कभी जरूरी होता है, दैट्स इट। कसम अंजलिना जूली की, ये जो रागिनी है ना हर बार सृष्टि का पक्ष लेकर विपक्ष को बहुत ही हल्का कर देती है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि अगर सृष्टि से छुटकारा पाना होगा तो इस रागिनी से मुक्ति पाना पड़ेगा। अच्छा आइए हमारे साथ। रागिनी कहाँ ले जा रही हो? अरे रागिनी ये क्या, ये क्या कर रही हो तुम? पूरा अपना हाथ जला दिया, क्या पागल हो गई हो क्या? इतने में तड़प गए मिस्टर जी, अभी तो हम ना अपना चप्पल उतार के इस बल्ब के साकेट में अपना हाथ डालेंगे। रागिनी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसमें करंट है तुम्हारी जान। ऐसा नहीं है कि मुझे सृष्टि की परवाह नहीं है, लेकिन मिस्टर जी जब परवाह होता है ना तो उसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता। हम नहीं जानते कि इस वक्त आपके मन में कहा चल रहा है, लेकिन हमें अपना रास्ता एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम ऐसे वक्त पे ना मिस्टर जी सृष्टि का साथ नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। देवर जी भाभी हमें अंदर आपकी जितना हिम्मत नहीं है, हम डर जाते हैं। किसने कहा कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है? देखे नहीं थे देवर जी कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले आप सृष्टि के लिए कैसे सबसे भिड़ गए थे? लेकिन भाभी हम कुछ कर नहीं पाए थे, सब लोग हमको पकड़ लिए थे। देवर जी हिम्मत दिखाने का मतलब सिर्फ ताकत ही नहीं होता, हौसला दिखाना भी हिम्मत होता है। जो आज आप दिखाए, हम जानते हैं देवर जी कि आप सृष्टि जी से बहुत प्यार करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सृष्टि जी को ना कुछ नहीं होने देंगे। थैंक यू भाभी। जहर मिला के लाई हो ना इसमें, आपकी जुबान से ज्यादा भयंकर बिस्ना इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता। से कुछ नहीं खाइयो, चुपचाप खा लो। सृष्टि ऐसे हम है ना तुम्हारे साथ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हम पे भरोसा है ना तुम्हें?
सृष्टि, जब पता है कि रास्ते में कांटा बिछा हुआ है और उस पे चलना ही है, तो फिर ये सब सोच के काँप आया था। ए दुलरिया, खुश रहो। क्या बात है विद्वान, आज सवेरे सवेरे उठ गए? ए दुलरिया, कब से ना तुमको आवाज दे रहा है, तुम सुनी नहीं रही हो हैं? अपुआ हम यहीं तैयार, तुम आओ ना बैठो। अरे बे अपुआ के लिए भी चाय बना लेना। सुनाई नहीं पड़ रहा था, कब से ना आवाज दे रहे हैं तुमको हैं? हम इच्छे तई का काम में थे। लाख का लहंगा, अरे तो बहुत ही महंगा। दूसरा चाय का बहुत जरूरत है हमको। अब हमरे लिए ना एक दो नींबू पानी ले आओ। क्या रज्जो जी, अब जाड़ा में भी नींबू पानी पीजिएगा? ए दिव्या, चाय यहाँ लाओ भाई, तुम जाओ थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, जाओ जाओ जाओ। सैया जी, अब नींबू पानी नहीं पिए तो का पिए? रागिनी, तुम्हारा भरोसा भी हम पर से उठ गया ना? भरोसा? भरोसा तो तुमने तोड़ा है हमारा। हमने तुम पर कितना भरोसा किया, सारी दुनिया को नाराज किया, लेकिन तुम्हारा साथ दिया और तुमने हमारा ही भरोसा तोड़ दिया। अब कैसा भरोसा? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बड़की भाव जी, लोई ताला आई लगा दो। हम तो कहते हैं जोर से मारना, ऐसे घर में खुलल खतरा घूम रहा है, ठीक नहीं। रागिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये तुम क्या कर रही हो? कल तक तुम्हें वो शॉक ट्रीटमेंट इतना खराब लग रहा था, और अब तुमने खुद ही सृष्टि को जानवर की तरह बांध दिया है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।